नमस्कार। उत्तर प्रदेश की सबसे ज्वलंत डिबेट संग्राम में आपका स्वागत है। पसमांदा प्रेम से दिक्कत क्यों है? हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा, बीजेपी ने पसमांदा समाज का सम्मेलन आयोजित किया था और पसमांदा समाज ने भी प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया था। उपचुनाव हैं, उपचुनाव में जाहिर सी बात है पसमांदा को लेकर तमाम तरह की स्ट्रेटजी बीजेपी बना रही है। आज एक मायावती का ट्वीट आया है, उस ट्वीट का लबुलवाब यही है कि कुल मिला जुला के बीजेपी के पसमांदा प्रेम से मायावती को दिक्कत हो रही है। इससे पहले आपको याद होगा ओवैसी का एक बयान आया था, उसमें भी इसी तरह का कुछ जिक्र था, इसी तरफ इशारा था। कुल मिला जुला के पसमांदा समाज समाजवादी पार्टी समझती है कि मुसलमान उसकी जागीर हैं, उसका वोट बैंक है। बहुजन समाजवादी पार्टी भी इसी तरफ इशारा कर रही है। जो भी मुस्लिम डेलीगेट्स हैं, जो भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, वो मानते हैं कि उनका अपना एक नज़रिया है, उनका अपना एक वोट बैंक है। तो पसमांदा आखिर हैं किसके और पसमांदा प्रेम से दिक्कत क्यों हो रही है, इसी बात को लेकर डिबेट है। आज मायावती ने जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि अपने केवल संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमांदा मुस्लिम समाज का राग भाजपा और आरएसएस का नया शिगोफा है। उनका ये कहना है कि मुस्लिम समाज पहले मुसलमान हैं तथा उनके प्रति इनकी सोच नियत नीति एवं उनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या और कैसा है, ये किसी से छिपा नहीं, सीधे सीधे बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। तो पसमांदा प्रेम से दिक्कत क्यों हो रही है और बीजेपी ने, अगर वो पसमांदा समाज के प्रति अपना प्रेम दिखा रही है तो पसमांदा समाज के लिए क्या किया है, इसलिए कि देश भर में सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहों पे पसमांदा मुस्लिम समाज का सम्मेलन हुआ और बीजेपी का ये कहना है कि पसमांदा समाज से जुड़े वो लोग जो समाज में हाशिए पर हैं उनके लिए सरकारों ने बहुत कुछ किया है, खासतौर से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने। तो क्या कुछ किया है सरकारों ने, पसमांदा प्रेम से दिक्कत क्यों है और पसमांदा आखिर हैं किसके, इस पर डिबेट के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। आपसे परिचय करा दें, बासित अली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चा के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आमिर साबरी मुस्लिम स्कॉलर, ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल आनंद गिहार जो कि दलित चिंतक हैं, ये भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अब से कुछ ही देर में नावेद शिकोह जी जुड़ेंगे जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं बासित अली साहब से। बासित अली साहब, ये बताइए कि मायावती जी का ट्वीट है किस तरफ इशारा कर रहा है, इसलिए कि उनको लगता है कि उनकी सरकार में ही मुसलमानों के लिए सब कुछ किया गया था। उनकी सरकार में दो काम खासतौर से किए गए थे। एक तो जो पसमांदा मुसलमान है उनको बिल्कुल एक तरफ किया गया था और जो टिकट दिए गए थे वो किसी का 3 करोड़ किसी का 5 करोड़ रुपए लेकर दिए गए थे। ये इस पर कई लोग पार्टी के बोल करके इस्तीफा दे चुके हैं, कई बार उन पर आरोप लग चुके हैं। लेकिन जब उनकी सरकार थी जी तो उन्होंने पसमांदाओं की ना कभी चिंता की, ना उनके रिजर्वेशन के लिए बात की, ना नौकरियों के लिए बात की, ना उनको लाभ देने के लिए बात की। अब जब उनको लग रहा है कि पहले हुआ कि समाजवादी पार्टी के पास सारा मुसलमान चला गया, वो परेशान थी, अब उनको लगता है कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है और जो पसंदीदा मुसलमान है उसकी एक पसंद भारतीय जनता पार्टी इन योजनाओं के कारण, क्योंकि जब उन्होंने देखा कि लगातार मुसलमानों को योजनाएं मिल रही हैं, जो गरीब मुसलमान हैं चाहे वो किसी वर्ग से हों उनको योजनाएं मिल रही हैं, वो लाभार्थी हो रही हैं, उनको लगा कि एक अट्रैक्शन है मोदी जी और योगी जी की सरकार के अंदर जी। तो उनको चिंता हुई तो आज उन्होंने कहा है। तो ये लगातार जो उनको सरकार रहते करना चाहिए था, जो उनको वो नहीं कर पाई, आज जब भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है तो उनको इसकी इसका दर्द हुआ है, उन्होंने इसकी चिंता की है, उसका ट्वीट किया है। और ये कभी सड़कों पर रहकर संघर्ष नहीं करते, ये केवल ट्वीट करते हैं, बयान देते हैं, केवल चुनावी मेंढक हुए और एक तरह से चुनाव के दिन जब होता है तो मैदान से बाहर आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हारते हैं, फिर घर में चले आते हैं। ये लगातार कई चुनाव से चाहे सपा बसपा कांग्रेस हो वो लोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच जनता से गठबंधन करके और जनता के दिलों पर राज करके सरकारें बना रही है, लेकिन ये लोग समझ रहे हैं कि कोई ये गठबंधन है,
गठबंधन तो सपा करती है, कांग्रेस करती है, बसपा करती है, लेकिन हर बार हारती है। चलिए हमारे साथ विशाल आनंद गिहार जी दलित चिंतक जुड़े हुए हैं। विशाल जी, मायावती जी को क्यों डर सताने लगा है अपने मुस्लिम वोट बैंक के खिसकने का और बीजेपी पर हमला बोल रही है? देखिए बहन कुमारी, मायावती जी के साथ एक बड़ी समस्या हो गई है। पहले उनका दलित वोट बैंक खसका, अब अभी हम लोगों ने लेटेस्ट चुनाव में देखा उनका दलित वोट बैंक खसक के उनके पास से बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से सरकार बनाई। मायावती जी को ये बात डर सताने लगा है कि पहले दलित वोट बैंक सरक गया, उनके सारे दलित नेता सरक गए। अब ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम, जो मुस्लिम थोड़ा बहुत टिके भी थे, जिनका एक विश्वास बहन जी में कभी कभी हुआ करता था, क्या वो भी अब साथ छोड़ देंगे? क्योंकि यहाँ बात पसमानदा समाज की हो रही है। मुस्लिम समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जैसे अरबी में पसमानदा कहते हैं, पर अरबी का शब्द है पसमानदा, जिसमें इसका मतलब होता है पिछड़े और भूले, सताए भूले पिछड़े लोग, वंचित लोग, जिनको समाज ने भुला दिया, जिनको अपने समाज ने भी भुला दिया है, ये वो दलित पसमानदा समाज है जो मुस्लिम समाज में भी पिछड़ा हुआ है। वो ये चाहता है कि वो अपनी मांगे मांगना चाहता है। बहन जी ने दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए भी पसमानदा समाज के लिए कभी कुछ नहीं किया, कभी मुस्लिम समाज के लिए कभी कुछ नहीं किया। हम लोग दलित चिंतक होते हुए भी ये बात समझते हैं कि आज दलित मुसलमानों की स्थिति शेड्यूल कास्ट की पिछड़ी जातियों से भी ज़्यादा पिछड़ गई है, क्योंकि मुसलमान को जो हक मिलना चाहिए था, जो हक हुकूक होना चाहिए था, जो अगर महन जी जैसी नेता के होते हुए, दलित चिंतक के होते हुए, आपको लगता है कि बीजेपी के शासनकाल में वो हक मिल रहा है उनको? देखिए बीजेपी का जिस तरह का शासनकाल चल रहा है, सबका साथ सबका विकास का, उसके अनुसार किसी के साथ भेदभाव वाली कोई भी नीति अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं की है। जहां राशन बांटे जाते हैं सबको बांटे जाते हैं, मतलब उनको हक मिल रहा है, उनका हक मिल रहा है। चलिए हमारे साथ आमिर साबरी जी मुस्लिम स्कॉलर हैं, उनसे पूछते हैं, ये बताइए कि बीजेपी का पसमानदा प्रेम, जाहिर सी बात है मायावती को, समाजवादी पार्टी को और ओवैसी को, इनको ओकेजनल लग रहा है, आपकी राय क्या है इस विषय में? बहुत शुक्रिया पांडे जी कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। देखिए दरअसल बीजेपी का जो पसमानदा प्रेम है, यकीनन वो एक छलावा कहा जा सकता है। क्यों छलावा? एक धोखा है, सुन लीजिए पूरी बात, बोल लेने दीजिए। छलावा इसलिए भी है कि सेंट्रल के अंदर आज की तारीख में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। चलिए आप छोड़ दिए, हम तो कहते हैं पसमानदा की आप बात क्यों करते हैं, आप ओनली मुस्लिम की बात करिए ना, आप आम मुसलमानों को जोड़ने का काम करिए। आज आपकी 9 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गई, 6 साल उत्तर प्रदेश में। क्यों नहीं बात करें? इसलिए पसमानदा के समाज, पसमानदा समाज को आपके मुस्लिम कम्युनिटी ने ही बिल्कुल आइसोलेटेड रखा, नहीं, ये तो यही संघ का एजेंडा है कि हिंदुओं में भी उनने अगड़े पिछड़े दलित बनाकर पेश कर दिए, अब मुसलमानों में कोई अगड़ा पिछड़ा था नहीं, तो ये पसमानदा का एजेंडा लेकर के। मुझे याद है, अरे पानी सुन लीजिए, पूरी बात हो जाने दे, पूरी बात हो जाने दिए। देखिए हम उत्तर प्रदेश में सरकार योगी 2 चल रही है, अभी एक राज्य मंत्री के अलावा कैबिनेट मंत्री नहीं ले पाए। चलिए अब तो पसमानदा का राज्य मंत्री है, दिखावा ही सही। आप पसमानदा समाज आज से है? नहीं, नहीं, मुझे याद है जेडीयू के, भाई आप जेडीयू के देखिए एक मिनट पांडे जी, 9 साल हो गए सेंटर में गवर्नमेंट बने बीजेपी की, और योगी 2 भी चल रही है, नहीं आप उत्तर प्रदेश में भी हो गई। मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, पसमानदा समाज आज से है? आज से पसमानदा समाज के लोग हाशिए हैं? मुझे याद है अली अनवर ने, जो कि जेडीयू के सांसद हुआ करते, सुन लीजिए पूरी बात पांडे जी, आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, चीफ जस्टिस राजेंद्र सच्चर जी की पूरी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। अभी हमारे भाई दलित चिंतक आपके समाज में, मुसलमानों की ये सच्चाई है, आपके समाज में जो हाई क्लास के लोग हैं जो कि पसमानदा समाज में नहीं आते, उन्होंने पसमानदा के लिए क्या किया है बताइए? अगर बीजेपी ने नहीं किया है तो आप लोग और आपकी कम्युनिटी ने क्या किया, या समाजवादी पार्टी ने क्या किया, या मायावती ने क्या किया? बात तो जब जो अगला समाज कहा जा रहा है, जो जिसको आप अगला समाज, हमारे तो अगला पिछला कुछ होता नहीं है, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, हमारे यहाँ अगर एक लाइन में अगली जमात में कोई पिछड़ा, तो फिर पसमानदा से आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पसमानदा प्रेम से आप लोगों को दिक्कत क्यों हो रही है? छलावा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, क्यों छलावा है? किसी भी मामले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ छलावा है। भाजपा देना कुछ जाती, अगर देना है बासित अली, बासित अली छलावा है, ये देना है बासित अली, इनका कहना है छलावा है ये, केंद्र में आप बताइए इनका छलावा नहीं है, बना दें उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री बना दे पसमानदा का, उसके बाद हम समझेंगे। उत्तर प्रदेश में मंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश दानिश अंसारी, अरे शर्म आनी चाहिए भाजपा को, क्या बात करते हैं आप? अच्छा एक बात, एक मिनट शर्म की बात और क्या? नहीं नहीं नहीं, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, इसमें कौन सी शर्म बड़ी की बात नहीं है? अरे मंत्री बनाए हैं ना, एक राज्य मंत्री। बासित अली जवाब देंगे, बासित अली जवाब दीजिए, और सेंट्रल में तो वो भी नहीं है। रमन भाई साहब, इसका जवाब मैं तसल्ली से देना चाहता हूँ, इसका जवाब मैं तसल्ली से देना चाहता हूँ। जब बसपा और सपा की सरकारें रही,
बसपा की सरकार में नसीमुद्दीन सिद्दीकी सहित लगभग 18 मंत्री। आप बताइए आपने क्या किया 6 साल में? मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में छठी जा रहे सरकार को बासी भाई, पूरी अरे बासी जी आप ये बता दिए योगी 2 चल रही है, आपने क्या दिया है? राजमंत्री मोहसिन नजादे, राजमंत्री दानिश अंसारी है, अरे कैबिनेट तो आप बना नहीं पाए, आप देने की बात करते पसमानदा को। भाई साहब आप मेरी बात जब पूरी हो जाए तो अपना जवाब पूरा दीजिएगा, मैं चाहता हूं कि मैं भी अपनी बात बोलिए बोलिए आप बोलिए बोलता हूं ना। उत्तर प्रदेश में जब बसपा की सरकार थी तो लगभग 16 मंत्री थे जिसमें नसीमुद्दीन सिद्दीकी लगभग मिनी मुख्यमंत्री कहलाते थे। बसपा की सरकार गई, सपा की आई, आजम खान के सहित दर्जनों मंत्री थे, लेकिन इतने सारे मंत्री होने के बाद भी कभी मुसलमानों की योजनाओं का सीधा सीधा लाभ ये लोग नहीं दिला पाए। मंत्री होना मकसद नहीं है, मकसद है कि सरकार की योजनाओं में हमें हिस्सा क्या मिला। बसपा की सरकार में 8% ठीक है, आप ये बता दिए आपकी सरकार ने कितना हिस्सा दिया, आप छोड़ दिए गाली देना पिछली सरकार को। सुनिए अरे छोड़िए, अरे बासी जी बसपा को छोड़ दीजिए, सपा को छोड़ दीजिए, हम सपा बसपा की बात नहीं कर रहे हैं। आप बताइए आपने 6 साल में क्या दिया? भाजपा पे आऊंगा ना, नहीं नहीं आपने 6 साल, अरे सुन तो लीजिए बासी जी, आप एक मदरसा कर पाए, मदरसों में आप चाकू चला रहे हैं, चाकू चल रहा है, चाकू क्या चल रहा है? आमिर साबरी नहीं 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 नहीं, जिस मदरसों में एक मिनट, आमिर साबरी अरब से, सऊदी अरब से, सुनिए मेरी बात सुनिए, आप सुनिए, फैसला लीजिएगा बाद में। हमारा सवाल आमिर साबरी, पहले एक बात सुनिए, पहले मैं आपको टोकूंगा। आपने क्या दिया? नहीं नहीं, चाकू चलाने जैसे क्या बात है? एक बात बताइए, सऊदी अरब से फंडिंग आ रही है, आपने 2 रुपए नहीं दिए, उनका सर्वे करा रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? सऊदी अरब से फंड लाएंगे, सऊदी अरब से फंड लाएंगे। होते कौन है? अरे आप हिंदुस्तान में रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं साबरी, आप उसका सर्वे कराएंगे? आमिर साबरी आप पाकिस्तान में नहीं रहते हैं? क्यों नहीं पाकिस्तान में रहते हैं? यहाँ संविधान को मानना पड़ेगा। आप लोग यही तो बात है, पाकिस्तान मदरसा मुसलमान इसी बात करते हैं, आप संविधान को नहीं मानते, आप संविधान नहीं मानते, आप सुनिए। मेरा सवाल बासित जी से था, मैं बासित जी से पूछ रहा हूँ कि आपने 6 साल में क्या दिया? तो इस तरह की मदरसों में चाकू चलाते हैं, इस तरह की ये कौन सी लैंग्वेज है? अरे चाकू चलाना तो है ही, ये आपने दिया क्या? आप बताइए, आप 2 रुपए देते उसके बाद हिसाब मांगते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, रातों रात भारत नेपाल बॉर्डर पे रातों रात मदरसे खुल रहे हैं फॉरेन फंडिंग से, वहाँ पे हवाला का है, टेरर फंडिंग है। क्यों नहीं जांच होगी? देश में सर्वे करा रहे हैं, भारत नेपाल के बॉर्डर जांच होगी? आप आतंकी ट्रेनिंग देंगे? आप आतंकी ट्रेनिंग देंगे? मदरसे प्रशिक्षण केंद्र आतंकवाद के, और जब पार्लियामेंट में सवाल पूछा गया 1999 में तो वो मुकर गए। बासित अली बोलिए, ये आतंकी ट्रेनिंग देते रहेंगे, इनकी जांच नहीं होगी? रमन भाई साहब डिबेट के लिए ऐसे लोगों को बुलाइए, सुनना जानते हो, तब अपनी बात बोलिए। बासित अली बोलिए, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो मंत्री बनाने से मकसद नहीं है, मकसद है सरकार की योजनाओं में मुसलमानों को, आम मुसलमान को क्या मिला? आम मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 90 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है, 20 लाख लोगों को मकान मिले हैं, 40 लाख लोगों के घरों पर कनेक्शन पहुंचे हैं, और 2,61 करोड़ लोगों को राशन मिला है। इसके अलावा आयुष्मान भारत के कार्ड 1,25,000 बने हैं, 33,000-34,000 सारे मुसलमानों को मिल गए हैं। अरे तो बिल्ली से आगे बैठ जाते हैं आप, हम तो कह रहे हैं मुसलमानों को मार कर रही हैं। कैसी बातें कर रहे हैं बासित जी आप? कैसी बात, कहां गए आंकड़े लेके आ रहे हैं आप? मुसलमानों की बात कर रहा हूं, अरे कहां गए आंकड़े गिना रहे हैं ये आप? अरे कहां गए आंकड़े गिना रहे हैं ये? उत्तर प्रदेश के लॉकडाउन में कोरोना काल में भी लोग परसे हैं राशन को, आप जमीन में आइए, आप हिंदुओं की बात करिए, आप हकीकत को जानिए, राशन नहीं मिला है, जमीन खिसक चुकी है आपके नीचे से। नावेद शिकोजी से रिएक्शन लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए। नावेद जी, पसमानदा बीजेपी के पसमानदा प्रेम से मायावती को भी दिक्कत है, ओवैसी को भी दिक्कत है, और जो मुस्लिम स्कॉलर है इनको भी दिक्कत है। अगर बीजेपी पसमानदा समाज के लिए सम्मेलन कर रही है, उस समाज के लिए कुछ करना चाहती हूँ, फिर प्रॉब्लम क्या है? हाँ, ये बात सही है कि सबको दिक्कत है। मायावती जी को लगातार मुसलमान करने की एक एपिसोड चला रही है, एक धारावाहिक चला रही है, चलिए ठीक है। सपा को भी दिक्कत होगी। भारतीय जनता पार्टी अगर पसमानदा की बात कर रही है
तो उस पर आम जनता ये सवाल करेगी कि आप करना क्या चाहते हो पसमानदा समाज, यानी पिछड़े हुए मुसलमानों के साथ आप क्या करना चाहते हो, अपना स्टैंड क्लियर करो, आप क्या करना चाहते हो। जो भी हमारे शायद मुझे तस्वीर नहीं विजुअल नहीं दिखाई दे रहे लेकिन शायद भाजपा के साथी थे, वो एक बात कह रहे थे योजनाओं में कितने मुसलमानों को पिछड़ों को खासतौर से क्या लाभ मिला। ये मुझे बड़ी अजीब बात इसलिए लगी क्योंकि ये बताइए कि कोई भी सरकार इस देश के इतिहास में लोकतांत्रिक देश के भारत आजादी के बाद जितनी भी सरकारें आई किसी की भी सरकार हो उसमें जनहित में कोई ना कोई योजना रही होगी और सरकारें योजना ही लाती हैं। कोई ऐसी सरकार नहीं रही होगी जिसमें कोई जनहित की योजना ना हो। और कौन सी ऐसी योजना है जिसमें यह कहा जाता हो कि इस योजना का लाभ केवल मुसलमानों को मिले, केवल हिंदुओं को मिले, केवल पिछड़ों को मिले, केवल दलितों को मिले। एक बात वो तो जनरल है, आप अच्छी बात है आपके जनहित में और जन कल्याणकारी योजनाएं आप लाए, सारी सरकारें लाई है, इतिहास गवाह है, आप जनता के लिए जो भी योजनाएं हैं खासतौर से मोदी सरकार अच्छी बात है, उसकी तारीफ करना चाहिए। इससे पहले की सरकारें भी जनता के लिए, गरीबों के लिए, आम इंसानों के लिए, सब लोगों के लिए योजनाएं लाए और योजनाओं का लाभ कोई भी ऐसी योजना नहीं होती जिसमें ये कहा जाता हो कि ये धर्म के लिए, जाति के लिए, वो सबके लिए होती है। आप स्पेसिफिक क्या कर रहे हो अगर आपको लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त सवाल है आपका, पिछड़ों का, हाँ तो पिछड़ों के लिए स्पेसिफिक आप क्या कर रहे हो, कौन सा कानून, बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त सवाल है आपका, बिल्कुल दुरुस्त सवाल है। रमन भाई साहब, मैं तसल्ली से इसका जवाब देना चाहता हूँ। बोलिए बासित अली, सवाल देखिए बासित जी, स्पेसिफिकली बोलिए, स्पेसिफिकली बोलिए कि अगर अगर पसमांदा समाज का सम्मेलन हो रहा है तो बीजेपी ने स्पेसिफिकली उनके लिए क्या किया है, या वो समाज जो हाशिए पर है वो समाज के उत्थान के लिए क्या कर रही है। हाँ, मैं इसकी तुलना पिछली सरकारों से करना चाहता हूँ, जो 8 साल का शासन और 60 साल का शासन। उस भाई साहब ने कहा कि फर्क क्या है, फर्क ये है कि पिछले 65 साल की कांग्रेस की सरकार के अंदर 5 करोड़ मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर स्कॉलरशिप मिली, लेकिन मोदी जी के शासन के अंदर 5.5 करोड़ बच्चों को स्कॉलरशिप मिली जिसमें खास तौर से लगभग 3 करोड़ बच्चियां शामिल हैं। एक फर्क है। दूसरा फर्क ये है, अगर मैं हज के कोटे की बात करूं, कांग्रेस के तमाम लंबे टोटल शासनकाल के अंदर जिसमें सपा बसपा का भी सहयोग रहा होगा और रहा है, उसके 95,000 हज कोटा हिंदुस्तान का हुआ करता था, लेकिन मोदी जी के आने के बाद 8 साल में वो कोटा आज 1,90,000 हुआ है, यानी कि उनके 65 साल और हमारे 8 साल उन पर भारी हैं। दूसरा विषय, अगर गरीबों को मकान मिल जाते तो आज जो 50 लाख मकान उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने बनाए हैं, ये बनाने की आवश्यकता सरकार को नहीं पड़ती, जिनमें 18.50 लाख मकान शुद्ध रूप से मुसलमानों को मिले हैं। तीसरा विषय, अगर सरकार घरों में बिजली पहुंचा देती पिछली सरकारें तो भाजपा की सरकार को बिजली नहीं देनी होती। और जो सबसे बड़ा विषय निकल कर आता है, सरकार पिछली सरकारों ने योजनाएं तो चलाई लेकिन योजनाओं में कहीं ना कहीं जो गरीब था, जो पिछड़ा था, जो उसके लिए एक ऐसा कोई नहीं किया कि उसका मेरिट तय हो कि गरीब को मिलना है, वहां मिलता किसको था, जिनकी नेता सिफारिश करते थे या जो उस पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर ये खासतौर से हुआ कि जो गरीब है वो गरीब है, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी जाति का हो, उसकी पूजा पत्ति क्या है, इसको कहीं नहीं देखा गया, केवल गरीब को गरीब माना गया। सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ जो आगे बढ़ी है। आप पूरा प्रदेश छोड़िए, आप लखनऊ की कोई लिस्ट आपके पास के कितने मुस्लिमों को आवाज दिया गया है सिर्फ लखनऊ के अंदर, वो खाली वो बता दिए, आप प्रदेश भर की छोड़ दिए, अब नहीं उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, आप कल आप सिर्फ लखनऊ का बता दिए खाली, आप कल आप डीएमओ के पास लंबे चौड़े आंकड़े बता रहे हैं, जमीनी सतह पे भी कुछ हुआ है, धरातल पे अगर धरातल पे कुछ हुआ हो तो बता दीजिए, ये खाली हवा हवाई आंकड़े तो पूर्व सरकारें बना दी रही है, आप भी गिना रहे हैं। रमन पांडे जी का सवाल था कि पसमांदा के लिए एजेंडा क्या है भाजपा का, पसमांदा समाज का सम्मेलन खूब कराइए, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, एजेंडा क्या है, अरे पहले एक आध उनकी बात सुनिए, बासित अली बताइए, पहले एक आध कैबिनेट मंत्री बना दीजिए, कुछ समाज के लिए एजेंडा ले आइए, नहीं इन्होंने बासित अली ने जो आंकड़ा दिया है, बासित अली ने जो आंकड़ा दिया है उसमें स्पेसिफिकली बताया गया कि इतने मकान मुसलमानों को मिले हैं, ये तो उन्होंने बताया है, हम तो सिर्फ लखनऊ का पूरे लखनऊ जवाब देना, 10 सेकंड अरे
आप डीएमओ के पास जाकर के मुझसे मत मांगिए, अरे भाई आप अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप बता दीजिए वो लिस्ट जी नवेशिको जी, नवेशिको जी बोलिए। मायावती का मामला, मायावती ने बहुत अच्छा बहुत दिलचस्प आंकड़ा पेश किया, मैं उनसे मुखातिब होना चाह रहा हूँ, 10 सेकंड दे दीजिए मुझे। लेकिन साहब मैं मुझे बासी साहब ने बहुत दिलचस्प बात बताई और उन्होंने बाकायदा बताया और आंकड़ा भी शायद पेश किया। उन्होंने ये कहा कि पिछली सरकारों में जितना मुसलमानों को फायदा नहीं हो पाया, जितना योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया, उससे कई गुना भारतीय जनता पार्टी ने लाभ दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है उन्होंने जो बात कही। लेकिन एक बात वो भूल रहे हैं, हमें मैं याद दिलाना चाहूं, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा था, एक मुद्दा था और इस मुद्दे के ऊपर उसने चुनाव लड़ा और जीता और इस देश के बहुसंख्यकों ने उसको उसकी सराहना की और उस पर उसको स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया। भाजपा का मुख्य एजेंडा ये था, मुख्य मुद्दा ये था चुनावी मैदान में जब वो आए थे सफल होने से पहले। वो ये कहते थे पिछली सरकारों में सारी सरकारी योजनाओं का लाभ केवल मुसलमानों को दिया जाता था, कम से कम प्राथमिकता उनको दी जाती थी, हिंदू समाज यानी बहुसंख्यक समाज सेकेंडरी था। यानी लाभ के आंकड़े भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि पिछली सरकारों ने मुसलमानों को ज्यादा दिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुसंख्यक समाज तो पीछे था। इस वक्त हमारे भाई हमारे दोस्त ये बात कह रहे हैं कि नहीं, पिछली सरकारों में मुसलमानों को कम लाभ मिला था, इस सरकार में। तो दोनों बातों में कौन सी बात सही है? भारतीय जनता पार्टी बासित अली आपका रिएक्शन, बासित अली आपका रिएक्शन, उसके बाद जाएंगे विशाल आनंद जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पिछली सरकार के अंदर जब चुनाव था वो क्लिप आज भी चैनल के पास होगी, मोदी जी और योगी जी ने कहा था स्पष्ट रूप से, हमें दिक्कत नहीं है कि मुसलमान जो उनके कब्रिस्तानों की बाउंड्री हो रही है, शमशान की बाउंड्री क्यों नहीं हो रही है। दिक्कत ये थी कि आप केवल शमशान की बाउंड्री करेंगे लेकिन आप कब्रिस्तान की बाउंड्री करेंगे शमशान की नहीं करेंगे, तो इसको तुष्टीकरण कहा था कि एक तरफा काम नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ सबको साथ लेकर चली है। और कब्रिस्तान नहीं, हमने बच्चों को पढ़ाया है, हमने बच्चों गरीबों के घर बनाए हैं, गरीबों को राशन दिया है, हमने गरीबों के लिए क्या है। मैंने कहा बिना धर्म देखे, बिना मजहब देखे, बिना जात देखे गरीब का कल्याण किया गया है, लेकिन वहाँ धर्म क्या, वहाँ आधार क्या था, धर्म यहाँ आधार है। विशाल आनंद गिहार हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल आनंद गिहार आपसे, आप दलित चिंतक है, आपको मदद करनी है तो आप सम्मेलन करिए भारत के गरीबों के लिए। देखिए 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 बासित अली जी, बासित अली जी और अमित सावरी जी, आप बासित अली जी आप भाजपा के जो शासनकाल है उसकी योजनाएं गिना रहे हैं। आमिर साबरी जी साहब बता रहे हैं कि मायावती जी ने दलितों के लिए जो काशीराम कॉलोनियां बनाई सबको दिखती हैं। अरे ये तो बताइए कि अगर मुसलमानों को आपने इतना दे दिया तो पसमांदा समाज का सम्मेलन क्यों करा रहे हैं? क्या पसमांदा समाज को उसने आपने सब कुछ दे दिया? अगर दे दिया तो पसमांदा समाज के लिए आपको विशेष रूप से योजनाएं, और पसमांदा समाज की सबसे पहली बात समझिए कि ये आप जो बता रहे हैं कि आपने दिया, लेकिन पसमांदा समाज आपसे चाहता क्या है पहले उससे तो पूछ लीजिए, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं? सन 1947 के बाद से पसमांदा समाज के लिए आंदोलन आज से नहीं चालू हुआ, सन 1920 में चालू हुआ था जब मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने पसमांदा समाज की मांगें उठाई थी, इसमें अनेकों जातियां मुस्लिम समाज की अंसारी से लेकर जुलाहे तक इसमें आते हैं। आपको आपको ये मानना चाहिए, आपको ये जानना चाहिए कि पसमांदा समाज के लिए कितना कितना इम्पोर्टेंट है आज का मुद्दा। सन 1947 के बाद से चौधरी लोकसभा तक नहीं, तो पसमांदा समाज को तो मुस्लिम मुस्लिम लोगों ने ही उपेक्षित रखा है, इन लोगों ने ही उपेक्षित रखा है, मुस्लिमों ने नहीं, मुस्लिमों ने नहीं, पूरा मुस्लिम समाज ही उपेक्षित रहा है। आमिर साबरी जी एक मिनट रुक जाएं, सिर्फ मुस्लिमों ने नहीं, सन 1947 के बाद चौधरी लोकसभा तक 7500 सांसद चुने गए जिसमें 400 मुसलमान हुए लेकिन सिर्फ 40 हुए जो पसमांदा समाज से आते थे। ये रेशियो कहां से आ गया? मुस्लिमों ने नहीं, जो पिछली सरकारों ने किया, जो वर्तमान सरकारों ने किया, सिर्फ 40 सांसद पूरे 1947 से लेकर 7500 सांसदों में सिर्फ 40 सांसद। ये कहां का न्याय था? अरे पसमांदा समाज चाहता है कि उनको निकाल के पिछड़े से जो जो उनका अल्पसंख्या का कोटा उससे निकाल के उसको शुल्कात पर डाला जाए, उसके साथ जो सामाजिक अन्याय हो रहा है, सामाजिक और आर्थिक अन्याय हो रहा है उसको वो दूर किया जाए। पसमांदा समाज चाहता है कि उसको नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। पसमांदा समाज चाहता है कि जो मुस्लिम समाज की आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो अगर पसमांदा समाज की बात अगर बीजेपी कर रही है तो फिर मायावती को या ओवैसी को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? इनको प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये वोट बैंक के लिए राजनीति कर रहे हैं,
हम बीजेपी से कहते हैं अगर आपकी योजनाएं बिल्कुल सही हैं, हम आप सबके साथ विकास की बात करते हैं, अमित साहब आपने सारी योजनाएं गिना दी, तो पसमांदा समाज के लिए अलग से जो योजनाएं आपने बनाई होंगी या प्रोफार्मा तैयार किया है, एजेंडा तैयार किया है, उसका ही जिक्र भी टीवी पर करिए ताकि पसमांदा समाज को आश्वासन मिल सके कि उसके लिए भी कुछ किया जाएगा। ये बार बार दोहरी राजनीति नहीं हो पाएगी। बासित अली एजेंडा क्या है, एजेंडा बताइए बासित अली, एजेंडा पसमांदा समाज को लेकर बीजेपी का एजेंडा क्या है? पहले होता क्या था कि योजनाएं बनती थी लेकिन योजनाएं बनने के बाद वो बंद हो जाया करती थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने योजना, अरे बासी जी आप अपना बताइए अपना एजेंडा। अरे भाई साहब किन लोगों को बिठा दिया आपने, किन लोगों को चैनल बिठाए जो किसी की बात सुनना नहीं चाहते हैं? ये सच्चर कमेटी ने साबित कर दिया है। अब पूरे किसी की सुनोगे की अपनी जाओगे, बस किसी की सुनोगे भी कितना, अरे किसी की सुनोगे भी आरक्षण का परसेंटेज दे रहे हैं आप बता दीजिए। चलिए हटाइए, आज घोषणा कर दीजिए आप अजीब आदमी है, मेरी बात सुनेंगे नहीं अपने, 6%, 5%, 7% कितना मुस्लिम पसमांदा समाज को आप देने जा रहे हैं, आप उसकी घोषणा कर दीजिए हटाइए। अब जब आपकी बात पूरी हो जाए मैं तब बोलूंगा। जी बोलिए बासित अली, बोलिए। लेकिन आप पुरानी पुरानी सरकारों को क्यों गाली दे रहे हैं भाई, आप अपनी बात करिए ना कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप अपने अपना एजेंडा क्लियर करिए। चलिए बासित अली, हमने 18% आबादी को लगभग 30% हिस्सेदारी दी है, इतना काफी है। आपकी इतनी सारी बातों का जवाब इतना सा है कि 18% आबादी को 30% हिस्सेदारी, और आपकी जो पिछली बात थी जिनकी जिन्होंने 90% वोट तक समाजवादी पार्टी को दिया उन्हें 9% हिस्सेदारी दी, ये फर्क काफी है आपकी बात को बताने के लिए समझाने के लिए। ये सिर्फ कागजों में है बासी जी, धरातल पे नहीं है। अब मैं तो आपको बता नहीं सकता, आप कागज निकाल कर लाइए, मेरी बात गलत साबित करिए। ये आपको है क्या, आपको दिक्कत क्या है? अरे हम तो कह रहे पसमांदा समाज के लिए आप घोषणा कराइए 5% से लेकर, या तो आप मुझे गलत साबित करिए तब तो हमें लगेगा पसमांदा को आपने कुछ दिया, आप पसमांदा के हितैषी हैं, वरना ये खुदा के लिए छलावा ना करिए। बासी साहब आप भी भले ही नाम कैसे लेकिन मुसलमान तो है कम से कम, आप छलावा ना करिए। नहीं खुदा के लिए, खुदा का जिक्र आप कर रहे हैं तो सच तो बोलिए, जो अच्छा सच बोल रहे हैं आपको स्वीकार नहीं है, क्यों भाजपा के एजेंडे में झूठ की पराकाष्ठा है, मुसलमान नहीं हो सकते, भाजपाइयों ने पीएचडी कर रखी है, बड़ा मसला बोल रहे हैं आप, आपकी बात नहीं है, हम तो पूरी भाजपा की बात कर रहे हैं, सिवाय झूठ के कुछ है ही नहीं बीजेपी के पास। आप आज 9 सालों की सरकार बने, अभी तक नेहरू को, इंदिरा गांधी को, राजीव गांधी को, कांग्रेस को गाली के अलावा दिया क्या मोदी जी ने बताइए? अरे कुछ तो करिए भाई, हम तो मुसलमानों का तो नाम भी लेते, हम तो आपके पास मांगने नहीं जा रहे हैं। आप हिंदुओं के लिए कुछ करती है भाई, आप हिंदुओं ने भी कुछ नहीं किया है। आप जैसे भाजपा में मुसलमान झूठ रख दिया जाए, भाजपा की बुराई की जाए, क्या बीजेपी बुराई की जाए? अरे तो भाई आप तो करें, आप वो काम करिए, आप लोग अच्छा करें, हम आपके साथ हैं, सबसे पहला व्यक्ति मैं हूँ, आपको पीछे खड़ाऊंगा। अरे आप एक ऐलान करिए, घोषणा करिए पसमांदा समाज के लिए कि 5% आरक्षण दिया भाई, 27% आरक्षण है, 5 लाख मुस्लिम समाज पसमांदा के लिए ऐलान कर दिए, छोड़िए आप मुस्लिम समाज को, आप पसमांदा के लिए ऐलान कर दिए। नहीं आप ऐलान करिए, आप तो पूरा मौका मिला है, आपके नेताओं ने कहा 11% वोट मिला मुझे, पिछली बार 9% वोट मिला, अरे उसके बाद भी आप लोग गाली देते चले आए, आप गाली भी लेना चाहते हैं, अब वोट भी लेना चाहते हैं, एक समय में दोहरे मापदंड कैसे भाई, नहीं दोहरे मापदंड कैसे, कैसे बात चलेगी? अरे बासित साहब कैसे मामला बनेगा आप बताइए? अरे एक समय में एक बात कर लिए या गाली दे दीजिए, वोट मांग लीजिए, अब आप पसमांदा अगड़ा पिछड़ा करके मुसलमानों में भी खाई पैदा करना चाह रहे हैं। नावेश जी को हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नावेश जी, मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है ऐसा कहना है मुस्लिम स्कॉलर का, सवाल ये कि कौन गुमराह कर रहा है, जो हाशिए पर मुसलमान हैं उनके लिए कौन क्या कुछ कर रहा है, इसलिए कि जहां तक देखा जाए तो पसमांदा समाज या कोई भी समाज जो निचले तबके पर है या जो हाशिए पर है वो हमेशा से वोट बैंक रहा है, चाहे वो ओवैसी का वोट बैंक रहा हो, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक रहा हो, बसपा का वोट बैंक रहा हो, या फिर अब बीजेपी अपने वोट बैंक के तौर पे पसमांदा को देख रही हो।
एक सच को मैं बयान करना चाहता हूं और जो मैंने महसूस किया है मुस्लिम समाज में, एक बात को स्वीकार करना पड़ेगा, मुस्लिम समाज में पसमानदा जिसको कहा जाता है, दरअसल वही संपन्न है, वही अमीर है, वही आगे बढ़ रहे हैं। हुआ क्या, हर समाज में, हर कौम में, हर धर्म में कुछ कमियां होती हैं उसके लोगों में। मुस्लिम समाज में भी एक साइकोलॉजिकल, एक जो एक ह्यूमन एरर होता है, ह्यूमन एरर के तहत जो लोग बड़े नवाब के खानदान के, हम सादात हैं, हम सैयद हैं, हमारे पास नौकरी भले ही नहीं है लेकिन हम कोई काम नहीं करेंगे, छोटा कारोबार नहीं करेंगे, जिसको तथा कथित छोटा कहा जाता है, छोटा काम कोई नहीं होता है। खासतौर से इस्लाम में मुसलमानों के सामने सबसे बड़ी हिदायत ये होती है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है। इमामों ने कई औलिया अपना मैसेज इस तरह, छोटा काम करो, खेतों में पानी डालने का काम करते थे, कई ऐसे हैं जो प्रेरणा है मुसलमानों के। तो छोटा काम कोई नहीं होता है, लेकिन ह्यूमन एरर के तहत मुसलमानों में जो जिसको तथा कथित बड़ी कौम यानी सादात सैयद नवाबीन, हम बड़े खानदान के थे, उन्होंने कोई काम किया नहीं, कारोबार नहीं किया, वो फकीर हो गए, वो गरीब हो गए। और जो छोटा काम, जिस तथा कथित मैं कह रहा हूं कि जो बुनकर बन गए, जो गोश्त बेचने लगे, जो ठेला लगाने लगे, उन्होंने ये नहीं सोचा कि काम छोटा होता है, उन्होंने मेहनत की और वो अमीर हो गए। मैं दावे के साथ कहता हूं कोई सर्वे मेरी बात को काट नहीं सकता है कि मुसलमानों में जो बुनकर हैं, जो गोश्त बेचने वाले हैं, जो ठेला लगाने वाले हैं, जो चमड़ा बेचने वाले हैं, जो तमाम पंचर बनाने वाले, वो धीरे धीरे एस्टैब्लिश हो गए, व्यापार में वो आगे बढ़ गए, वो अमीर हो गए। जब वो अमीर हो गए तो आजकल ज्यादातर यूनिवर्सिटी स्कूल में डोनेशन दिया जाता है, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करा रहे हैं, वो संपन्न है। यहाँ पर उल्टा हिसाब है, यहाँ पर पसमानदा जो है अपने बड़े जातियों का ही का सताया हुआ है। ये आप जो जिस तरह से कह रहे हैं ये उससे प्रूव हो जाता है। रमन जी ने अभी कहा ये बात बिल्कुल सही आप प्रूव हो रही है, आपके मुंह से प्रूव हो रही है, एक मुसलमान के मुंह से प्रूव हो रही है। आप स्वयं बताने का प्रयास कर रहे हैं कि पसमानदा समाज को आपने शुभ दबाया और खुद कुचला है, क्योंकि आपके हिसाब से पसमानदा समाज जो दलित है, जो पिछड़ा हुआ है, जो सताया हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसके पास ना आरक्षण है, ना व्यवस्थाएं हैं, ना समस्याएं ज्यादा हैं, आप स्वयं बता रहे हैं कि वो तो अमीर है, उसके पास व्यवस्थाएं अच्छी हैं, और जो जो ऊंची जाति है, इस तरह से आप तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, मुस्लिम समाज में इसके स्वयं की तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, आप स्वयं ये बात कर रहे हैं इस्लाम का नाम लेके। देखिए इस्लाम का नाम लेके आप ये बात करना, क्योंकि मैं मानता हूं इस्लाम में कहा गया कोई काम छोटा नहीं होता, ये बहुत अच्छी बात है, अगर सूफियों ने कहा है, संतों ने कहा है, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप मुस्लिम तुष्टिकरण का एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, जो रमन भाई अभी भी कह रहे थे। रमन जी ने बिल्कुल सही कहा था कि मुस्लिमों को अगर पसमानदा समाज को किसी ने पिछाड़ा तो उनके अपने लोगों ने पिछाड़ा, उन्हें अपने लोगों ने पीछे किया। देखिए सही है, तो सारी क्रीम चली गई थी पाकिस्तान, यहाँ बहुत लोअर क्लास के लोग बच्चे पूरी बात हो जाए प्लीज, मैं लगातार सुन ही रहा हूं। जैसे नवेद जी कह रहे थे सैयद खान साहब, मिर्जा, ये तमाम लोग इतने कमजोर हो चुके थे, देखिए सताया किसी ने किसी को नहीं, एक बात समझिए, पूरी कौम सताई गई, पूरी बात कर लो, पूरी कौम सताई गई। आवाज जो नावेद जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, सैयद खान साहब इतना लोगों ने, देखिए साबरी साहब राजेंद्र सक्सेना, राजेंद्र सक्सेना 2006 की राजेंद्र सक्सेना कमेटी की रिपोर्ट बिल्कुल साफ कहती है कि मुस्लिमों की स्थिति अनुसूचित जाति की बड़ी जातियों से भी ज्यादा गिरी हुई है, 62% से ऊपर मुस्लिमों के पास। अंसारी, ये तमाम जो जातियां हैं वो आज बहुत ऊपर चली गई हैं, खास साहब सैयद मिर्जा अधिक मांगने की नौबत में हैं, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं नावेद जी। देखिए ये तो बिल्कुल तुष्टिकरण की बात आपने कर दी, फिर आप चैनल के माध्यम से समाज के आरक्षण आप क्यों कर रहे हैं, फिर आप किसी ने तुष्टिकरण जातियों नहीं किया, फिर आप साबित अली साहब से आप पसमानदा समाज के आरक्षण की बात क्यों कर रहे हैं, जब आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप पसमानदा को जरूरत नहीं है, आप दलित समाज को, पिछड़े समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप बहका रहे हैं, आप मुस्लिम समाज को बहका रहे हैं, भाजपा ने बहका रही, अगर भाजपा पसमानदा की बात कर रही है तो भाजपा ने बहका रही, इस हिसाब से आप बहका रहे हैं, आप उसको बहका रहे हैं, आप उसको तोड़ने काम कर रहे हैं, आप तुष्टिकरण की बात कर रहे हैं, जिसका आरोप आप भाजपा में लगा बीजेपी में लगाते आए हैं वो तुष्टिकरण स्वयं कर रहे हैं, दलित समाज के साथ यही तुष्टिकरण ये मुस्लिम पसमानदा समाज की हमी ने मंचों से बातें उठाई हैं।
आप अच्छी तरह समझिए, तमाम सम्मेलनों आप दोहरी बातें कर रहे हैं, दो तरह की बातें नहीं हो सकती आमिर साबरी, दो तरह की बातें नहीं हो सकती। एक तरफ आप पसमानदा के लिए आरक्षण मांग रहे हैं और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि उस समाज को आरक्षण की जरूरत नहीं, वो समाज बहुत आगे आप मुस्लिम समाज को तुष्टीकरण का काम कर रहे हैं, उसको भी बांटने का काम कर रहे हैं। आप स्वयं दलित समाज से आते हैं, हम भी जाति से आते हैं, जिसके लिए जिसके लिए 30 सालों संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हमको ज्ञान नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी कहते हैं कि आप तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। या तो आप समझ में नहीं आई मेरी बात, या आपको सिर्फ मुझे सुनना पसंद नहीं है, दो में से एक बात है। अरे मैं तो कह रहा हूँ ये बातें ना कहिए, ये बातें सरकारों ने की है, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। आप ये बातें ना कहिए, आपको ये बातें शोभा नहीं देती। मुस्लिम स्कॉलरों से, मुस्लिम स्कॉलर से देश के मुसलमानों को उम्मीद है, मुस्लिम स्कॉलर से देश के मुसलमानों को उम्मीद है कि ये मेरी बात सही तरीके से रखेंगे। लेकिन आप जातिगत विभाजन करके मुसलमानों का तुष्टीकरण दे रहे हैं। आप जिनके आप सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए, विशाल जी सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ कि मुस्लिम पसमानदा की बातें मुसलमानों ने ही मंचों से उठाई है। अरे तो फिर आप फिर ये कौन पसमानदा है, ये कौन है पसमानदा की बात? तो क्या ये सैयद शिको है जो पसमानदा हो गए? क्या ये सैयद खान शिको है पठान है जो उससे पसमानदा हो गए? क्या ये अंसारी जुलाई बिचारे हो गए? क्या ये लोग सैयद शिको हो गए? क्या इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? अरे आप वास्तविक परिस्थिति से जुड़िए, आप वास्तविक परिस्थिति की बात करिए। सर्वे की बात ही पसमानदा की बात हो रही है। पसमान अगर 2004 की रिपोर्ट जो है 1947 से 40 साल तक पसमानदा के, और आप कह रहे हो बेचारे अमीर हो गए, आप लोग कह रहे हैं अमीर हो गए, नावे शिवजी कहते हैं अमीर हो गए। मेरे ख्याल से आप मुस्लिम तुष्टीकरण का खुद ही उदाहरण पेश कर रहे हैं। रमन पांडे जी की बात बिल्कुल सही साबित कर रहे हैं कि आपके समाज आपके पसमानदा को मुस्लिमों ने खुद पीछे छोड़ा। आप दलित चिंतक नहीं है, नहीं तो आप भी नहीं तो आप भी आप भी आप भी जैसी नहीं आप भी जैसी बातें कर रहे हैं वो मुस्लिम स्कॉलर जैसी बात नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल आप नहीं आप कहा पसमान आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आपने अभी बासित अली पे आरोप लगाया कि आप मुसलमान को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। आपने कहा गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। गुमराह कौन कर रहा है? आज की इस समय की डिबेट में आपके दो स्टैंड से लगता है कि आप ही गुमराह कर रहे हैं। आपने दो तरह का स्टैंड दिया है। जब पसमानदा समाज आप लोगों से ऊपर उठा तो उसने आजमगढ़ और रामपुर में भाजपा को कुछ नहीं दिखाई। जब आप लोगों के भ्रम से पसमानदा समाज बाहर निकला तो उसने बीजेपी को रामपुर और आजमगढ़ में कुछ नहीं दिखाई। इससे प्रतीत होता है कि पसमानदा समाज विभाग की राजनीति को समझने लगा है। आप मुस्लिम स्कॉलर नहीं हो सकते, आप मुस्लिम स्कॉलर नहीं हो सकते। आप मुस्लिमों पे तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, आप मुस्लिम नहीं है, आप भाजपा प्रवक्ता कैसे बात कर रहे हैं? ये तो तरीका है, ये तो आप अभी आप भाजपा को कहते हैं कि कोई विरोध करता है तो उसकी आवाज दबाई जाती। अब आप मेरी आवाज दबा रहे हैं, मुझे भाजपा को बता रहे हैं, मुझे भी आप विरोधी बता रहे हैं। ये तो आप वही राजनीति करने लगे जो आप भाजपा को सीख रहे हैं। अरे आप भाई में करो, आप सर्वे करिए, हम ये सर्वे के बाद ही पसमानदा आया है। पसमानदा आया कहाँ से? अरे पसमानदा आया कहाँ से? पसमानदा जैसा व्यक्ति आया कहाँ से? पसमानदा है कौन? चार चार बार मुख्यमंत्री बनी। अरे हम कहते हैं, अरे हम आपके साथ रहे हैं। आज आपके प्रदेश के भाजपा की बात कर रहे हैं, मंत्री है अब भाजपा के, पसमानदा समाज की बात है इसका? कैसी बात कर रहे हैं विशाल जी? आप खुद दोहरी बात कर रहे हैं, दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। दोहरे मापदंड नहीं, हम देखिए आमिर साबरी जी, आमिर साबरी जी, आमिर साबरी जी, आमिर साबरी जी, नहीं नहीं आमिर साबरी जी, आमिर साबरी जी, बीजेपी के पसमानदा प्रेम को आप स्वीकार करेंगे नहीं, बीजेपी से हमेशा डिस्टेंस बनाकर रखेंगे, आप शक की निगाह से देखेंगे। मायावती आपको यूज करेंगी, मैं नहीं नहीं मायावती सुन लीजिए पूरी बात, मायावती आपको यूज करेंगी, मायावती आपको यूज करेंगी, वो आपको मंजूर है। समाजवादी पार्टी आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करेगी, वो आपको मंजूर है। ये बताइए कि आप जाएंगे कहां आखिर? आखिर कोई तो स्टैंड होगा ना? ओवैसी साहब इनके नाम पे राजनीति चलाते रहेंगे, इनको मंजूर है, ये मंजूर है, लेकिन समाज के लोग उनको आरक्षण मिले, इनको मंजूर है, उनकी राजनीतिक स्थिति सुधरे, उनको मंजूर है, उनकी सामाजिक स्थिति सुधरे, इनको मंजूर है। आप हमेशा यूज होते रहेंगे, आप हमेशा यूज होते रहेंगे। पसमानदा के समाज पे भाजपा इस्तेमाल कर रही है। अरे
अरे भाई मैं तो साथ हूँ आपके भाजपा के, आप ऐलान करिए कि मैं इतने परसेंटेज आरक्षण की घोषणा कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अरे आप मुझे कुछ ना दीजिए, आप कुछ ना दीजिए, आप बता रहे सैयद सिद्धा जो है वो पिछड़ गए, आप पसमांदा का ऐलान करिए, खुद जाति का आप दलितों का आरक्षण खाए जा रहे हैं, भाजपा खुद दलितों का आरक्षण खत्म करने जा रही है, आप पसमांदा की बात कर रहे हैं, यही तो छलावा है, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ। रमन जी सम्मेलन करने का मतलब नहीं सहायता देने का, नहीं सहायता देने का मतलब सीधे नहीं नहीं सहायता देने का मतलब, सहायता देने का मतलब सीधे आरक्षण दे दिया जाए किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए, सुनिए किसी देश के आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए भाजपा के रूप में सहायता देना चाहते हैं। वासित अली बोलिए, वासित अली बोलिए, एक मिनट इनको कराइए बस, आज 30 सेकंड में अपनी बोलिए। हम उस पसमांदा की बात कर रहे हैं जो पठान भी हो, जो गरीब है, चाहे वो पठान हो, चाहे वो सिया हो, चाहे राजपूत हो, गुर्जर हो, अंसारी हो, कुरैशी हो, ये हम उस पसमांदा की बात कर रहे हैं जो गरीब है, जो गरीब है, आप उसको सुनिए। यही छलावा है बासित जी, आपका खुद स्टैंड क्लियर नहीं है, आप स्टैंड क्लियर नहीं है, आप बोल दीजिए शिया की और खादाब की हैसियत की बात, जो चुपी नहीं होते हैं डिबेट में तो शोरी होता है, मुस्लिम समाज में कैसी बात कर रहे हैं आप, हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस्लाम में डिवाइडेशन नहीं चाहते, डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा कि इस्लाम में डिवाइडेशन की नहीं केवल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, हम जातियों में अलग अलग नहीं बांट रहे, हम गरीब सुन लीजिए पहले बात सुन लीजिए, गरीब चाहे कोई भी हो, वो गरीब कोई भी हो सकता है, वो अगड़ी जाति का हो, पिछड़ी जाति का हो, ये जरूर है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनमें 90% लोग आज पिछड़े हुए हैं और इतना पिछड़ गए हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, उनके पास घर नहीं है, उनके पास आयुष्मान भारत के कार्ड के अलावा इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी योगी जी अगर बात कर रहे हैं तो गरीब की बात करें, गरीब कल्याण की बात करें। वक्त की कमी हमारे पास, पहले भी कहा नवेशिको जी से रिएक्शन, नवेशिको जी 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 देखिए एक बात बिल्कुल तय है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये बात कहती रही और इस बात को लोगों ने स्वीकार भी किया कि कोई भी फायदा पहुंचाने, कोई योजना देने, किसी की मदद करने, समाज भारतीय समाज में कोई भी सरकार किसी के लाभ के लिए कोई योजना उठाती कमजोर तबके के, तो उसमें धर्म और जाति को नहीं जोड़ना चाहिए, भाजपा का ही स्टैंड रहा है और सब समाज भी ये कहता रहा कि आरक्षण जरूर दीजिए लेकिन धर्म के आधार पे मत दीजिए, जाति के आधार पे मत दीजिए, गरीब को दीजिए, कमजोर को दीजिए, हाँ, लेकिन जब गरीब और कमजोर की बात करके भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे को, इस मुद्दे को लोगों ने स्वीकार किया, तो आज अगर भाजपा मुस्लिम करके जिसको वो तुष्टिकरण कहती थी, जो बसपा पे आरोप लगाती थी, सपा पे, कांग्रेस पे लगाती थी कि आप गरीबों की योजनाओं की बात करिए लेकिन किसी धर्म को मत जोड़िए, अगर खुद जोड़ रही है भाजपा तो सवाल उठेगा। सवाल देखिए इस बात का कि अगर आपको मदद करनी है और तो एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है जिसपे किसी ने चर्चा नहीं की कि आप पसमांदा की बात करिए, आप किसी धर्म की बात मत करिए और इस देश की जो सबसे बड़ी ताकत थी लघु उद्योग, कुटील उद्योग, हथकरघा, बनारस में कालीन का काम, बनारसी साड़ियों का काम, लखनऊ में आरी जरदोजी का काम, जो इस भारत की खूबसूरती थी, यहां से रेवेन्यू आता था, यहां से शान पैदा होती थी, हाँ ये भी अंदर खाने से ये कह सकते हैं कि इसमें ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग जो संपन्न धन संपन्न नहीं थे उसमें लगते थे, कुछ लोग आगे बढ़ के इतनी तरक्की कर लेते थे कि कई और आज भी हैं, लेकिन ये सब बंद हो रहा है, आपको पता होना चाहिए, ये आंकड़े भारत सरकार के पास भी है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास भी है और समाज के पास भी है, ये सब खूबसूरत हमारी जो शिल्पकारी थी ये सब मशीनें बंद हो गई हैं, उससे जुड़े हुए जो गरीब तबके के लोग थे हम मुसलमान नहीं कहेंगे, हम कतई मुसलमान नहीं कहेंगे, हिंदू नहीं कहेंगे, दलित ब्राह्मण नहीं कहेंगे, जो गरीब लोग थे हो सकता है उसमें मुसलमान ज्यादा हो, चाहे वो बनारस का इस तरह का काम, हथकरघा का काम हो, कालीन का काम हो, या फिर लखनऊ का आरी जरदोजी का काम हो, इस तरह पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में अगर आप 10 जिलों के ऐसे नाम बताए जा सकते हैं जहां पर इस तरह के काम थे जिससे एक समाज रोजी रोटी से जुड़ा हुआ था और आगे बढ़ने का रास्ता था और देश के लिए, प्रदेश के लिए वो एक सेवा भी देता था, शिल्पकारी कलात्मकता थी उसके पीछे, दुनिया में हमारा काम पसंद किया जाता था, वो सब प्रॉपर्ट हो गए हैं, अगर कुछ करना ही है तो भारत सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को उन उद्योगों को स्थापित करिए, उसे स्थापित कर देते भारत का और उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन होगा और उनको कारोबार भी मिलेगा, सचमुच वो भूखे नहीं मरेंगे। बासित अली
अभी इन्होंने बनारस की बात की, बनारस के अंदर एक बहुत बड़ा क्लस्टर बनाया गया, हब बनाया गया, जहां बुनकरों के लिए तमाम सुविधाएं मुहैया हैं, और ऐसा काम पिछले कभी हुआ नहीं वहां। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से एक सरकार स्कीम लाई, जो जिस जिले का, जैसे मैं अगर मुरादाबाद की बात करूं तो वहां तांबे के काम को आगे बढ़ाया गया, अगर मैं आगरा की बात करूं, खुर्जा की, बुलंदशहर की बात करूं, वहां पोटरी के काम को बढ़ाया गया, अगर मैं बात लखनऊ करूं तो इनके बढ़ाया गया, और अगर श्रावस्ती की बात करूं तो वहां अलग अलग जो प्रोडक्ट थे तो वहां उनको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक अलग से डिपार्टमेंट खोला और उनको लोन देना आसान किया, उनको सहायता करनी आसान की। आज सरकार लगातार जो जिले की पहचान है जहां कारोबार हो, ये भी सही है, ये भी सच है कि इन कारोबार में अधिकतर लोग जो छोटे कारीगरी के कारोबार हैं, मुसलमान लोग लगे हुए हैं। इसी के लिए भारत सरकार ने एक मेला लगाए थे लगातार, जिसको आप भी उसमें कई बार गए होंगे, हुनर हाट। हुनर हाट के अंदर लगातार पूरे हिंदुस्तान के अंदर मेले लगाए गए और लोगों के हुनर को विश्व की दुनिया के सामने लाया गया, और उनकी कारीगरों की मदद की गई, उनको इनाम दिए गए और उसको पहचान दी गई, उनको कहां की बात कर रहे हैं, फैजाबाद की स्थिति है, बनारस की स्थिति है, फरुखाबाद दर्दोदी का बड़ा काम है, वहां की स्थिति है, लखनऊ में दर्दोदी आ रही का काम बिल्कुल खत्म हो चुका है। और सच ये, भारतीय जनता पार्टी छोटे उद्योगों के दुश्मन है, सिर्फ अडानी अंबानी के सिवा कहीं कुछ नहीं है, भूल जाइए आप छोटे उद्योग, नावेद जी ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया ये, और इसीलिए लोग खत्म होते जा रहे हैं दिन पे दिन। देखिए पावर लूम, सुनिए, समय के हिसाब से बहुत सारे धंधे अपने योजनाएं गिना रहे हैं, मैं योजनाओं की बात कर रहा हूँ कि बंद है। अरे आप भी 9 साल में, विशाल आनंद जी लास्ट इलेक्शन आपसे लेंगे, वक्त की कमी है। नावेद सिंह जी ने जो बात उठाई छोटे उद्योगों से जुड़े हुए मुसलमान थे, वो वही थे, क्योंकि यहाँ पसमंदा समाज की बात हो रही है, इसलिए मैं ये बात कहना जरूरी है, ये डिबेट ही उनके लिए है, ये डिबेट ही उस समाज के लिए, तो समाज की बात रखना जरूरी है। उन्होंने जो बात कही उससे जुड़े हुए छोटे जो मुसलमान थे, वही है पसमानदा समाज के लोग, जिनकी मांगों के लिए, जिनकी समस्याओं के लिए आज ये बात उठी है कि उनका सम्मेलन कराया जाए, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। क्योंकि आपको बता दूं, अभी बात चल रही थी, हमारे बासित भाई कह रहे थे, प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना थी, अगर आप उसको जोड़ देख लें तो उसमें सिर्फ 1.5% पसमानदा समाज का व्यक्ति जुड़ा हुआ है, सिर्फ 1.5% पूरे भारतवर्ष से। ये बहुत बड़ी कमी है, हमें इसी कमी को दूर करना है, हमें आरक्षण को दूर नहीं करना है, हम आरक्षण नहीं मांग रहे कि हमें ऐसे आरक्षण ही चाहिए, हमें उनको कौशल विकास ही बनाना है, उनके कौशल को डेवलप करना है, उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है, ताकि उनके साथ जो सामाजिक और आर्थिक अन्याय होता रहा वो बंद हो जाए, ताकि ये आरक्षण की मांग है, आरक्षण की मांग उसी दिन बंद हो जाएगी जिस दिन ये बराबरी का हक पा जाएंगे, उस दिन आरक्षण नहीं मांगा जाएगा। बिल्कुल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बासित अली जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आमिर साबरी जी, विशाल आनंद गिहार जी, नावेद शिको जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिला जुला के पसमानदा समाज जो कि बिल्कुल हाशिए पर है, डेफिनेटली उसके लिए अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। रही बात वोट की राजनीति की, तो वो राजनीति तो चलती रहेगी, पिछली सरकारों में भी होती रही और आने वाली सरकारों में भी होती रहेगी, लेकिन जहाँ तक स्किल डेवलपमेंट का सवाल है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का सवाल है, इस तरह की तमाम स्कीम्स का सवाल है, तो मुझे लगता है कि भारत का युवा, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी रिलीजन से जुड़ा हो, वो अगर अपनी स्किल को डेवलप करके संस्थाओं की मदद से, योजनाओं की मदद से, तमाम चीज़ों की मदद से अगर उसको एनहेंस करके आगे बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से उसका भी विकास होगा और पूरे देश का विकास होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, रोकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, नमस्कार।